ਸਨ ਵੀ ਚਾਲ ਲਵੈਨੇ ਆ ਇਤਨੇ ਡਾਲਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਬਈ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਦੇ ਰੇਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮੱਲਾ ਕਾਲ ਕਾਲੂ ਜੋ ਔਰ ਐਸੇ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ये वो ही है ना जो प्लेट में ज्यादा से चिकन डाल के देता है एक कोई भूखे जला कीता पिया वो तो आंतरा हिल गईया है ये शॉप है यार ये चेक करें हमारे बर्गर्स आ गए हैं ये मस्जिद बहुत प्यारी लग रही है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग अच्छा जी आज के दे वेंदे पिया तुसा सारे दी भरपूर फरमाइश है असा आ भी चलो चकवाल दे ग्राम भी एक्सप्लोर कराए ना गांव एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अभी देखते हैं कि मुरीद सबसे पहले सबसे सारे तो पहले जो ग्राम से एक्सप्लोर करने का सोचे वो मुरीद है अभी कोई नहीं अम्मी ने किसी घर नहीं ना जाना हालांकि अम्मी जान रहा रिश्तेदार हूँ साड़ी अपनी खाला दी ग्राम है पर लेकिन हम सिर्फ तुसा सारे हमारे बस आता है घूम फिर का वैसा सर गई नहीं वापसी के पसंद और वापसी पे ये पीते हैं अभी मुरीद की गलियों में जाते हैं तुसान भी चाल लगाने हम अभी तब नहीं ना जाते वैसे आम जिन जगहों पर हम जाते हैं ना वहाँ पे ये होता है कि कोई रिश्तेदार हो या कोई खाता पीता अभी मुरीद के बर्गर बहुत फेमस है रिश्तेदार है अगर आप कहें वो आपको तीन गुना खातर करें हाँ लेकिन बाजी हूँ साढ़ा दिल नहीं वक्त पाने का भाई पता नहीं बिजी है कि नहीं लेकिन वो तो नाराज हो सी अगर पता लगे लेकिन ये है कि ऐसे स्पेशल अभी जाते हैं आपको दिखाते हैं भाई क्या क्या तरतीब है और एक बर्गर यहाँ पे हैं जो बॉस ने भी नहीं खाए हैं सब ने सिर्फ आपकी बहन ने खाए हैं इनके फेमस बर्गर आपको आपने भी खाए हैं यार तो बहुत अच्छा बर्गर है अगर आज मिलता है सोन भी चखे हैं नहीं जब साढ़े नसीब बना खुश है हाँ बल्कि घर लाए थे वो उसका जायका खराब हो गया था चलो वहाँ कितने कहते हैं ये मोर के बच्चे भी दस्ती है पेट्रोल अच्छी सोने मारे पे पवेने आते हैं इतने डॉलर मेरी वीडियो तो होने चाहिए ये मुरीद वाले बंदे पूरे करें ठीक हो गया यकीन माने इतने बंदों के मुझे मैसेज आते हैं पर मैंने सोचा अपने चैनल का नाम चेंज कर दूँ मत तो सारे आके नहीं 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 मुझे लग रहा था मेरा जो कंटेंट है बाकी जगह भी एक्सप्लोर करते हैं ना और दूसरा ये था कि मुझे था कि लिमिटेड ऑडियंस है और तुसा एक कम करना सारे भी मेरे इन्हें सारी वीडियो शेयर करना ने और बस ऐसे भरपूर तरीके से इनका साथ देना है स्पेशल टाइम कट के सॉरी बैंड पे बैंड के सॉरी वीडियो बनाने वाले बॉस थी भी ड्यूटी लाई है मैं मेहरबानी करके नाले रील बना दे रहे कोई टिकटॉक भी चमकिया पूरी कमेंटर हो रहे हैं रात भाई ठीक होने तो रह गया ये तलगंग रोड पे है ना चकवाल और तलगंग के दरमियान चकवाल और बलकसर के दरमियान तलगंग तो बहुत आगे है ना दोनों के दरमियान शहरों के दरमियान के चलो दुआ करे सन बर्गर ला पाने ना सी भूखे वाणे करो तुर पे मुरीद दे बर्गर हमारे बाकी गांव जहाँ जहाँ जाएंगे आप मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे बताइएगा जो गांव आप रेकमेंड करेंगे उसकी फेमस जगह भी बताइएगा इंजे जले हम दो गलियों में फिरने तो फायदा कौन नहीं कुछ वाड़ा भी फायदा होगा तो उसी ग्राम वेख रहे तो असं उ खाना खा के सर है ना हमें वैसे फायदा नहीं होगी सारे गांव की गलियां एक जैसी होती हैं हाँ मतलब अब आप जो उस गांव को होगा उससे वो जगह बहुत अच्छी लगेगी लेकिन उन साढ़े हमारा भी कुछ साढ़ा सोचे वैसे कि इन लगसा घूमते फिर दे जलिया उस तो बहुत बेहतर है बड़ा बहुत बड़ा अच्छा मैंने बहुत और इधर एक साइड में मल्ला कालू जो और ऐसे इधर और मल्ला है पता नहीं क्या चलो अगर वहां की तो कहने हैं फिलहाल वीडियो को इतनी ये भी कोई स्कूल है जहाँ मैं आई है क्या हुआ मल्ला हुसैन नगर के पास से क्रॉस की है पहली डेस्टिनेशन जी है वो साढ़े बर्गर ही है बदला होने तो सोन भी दसें की तरतीब है अगर गांव से दूसरी रोड से जाए तो गलियां तंग छोटी गाड़ी तो चली जाती बड़ी नहीं जाती मेन वो पुराना है ना तो पुराने दर्शन क्या उन्होंने खड़ा उधर से फिर गाड़ी फंस जाती गाड़ी नहीं जाती बस पैदल मेन रोड की बात हो रही है ये नहीं कह रहे कि भाई ये मेन है या वो रोड की बात बस ही मैं पहनी है मैं अंदर ग्राउंड आ रही जिधर खाला लोगों के घर जाते हैं ना उनके घर के लिए तंग हां वैसे पुराने गांव है हम उधर जाएंगे और ये जो मेन बाजार है ये पुराने बने हुए नए है ना ये सारी आबादी अच्छा इस वजह से रोड बड़े-बड़े ये बाजार है मुरीद का हाँ ये बंदे शो देख के सुन सन ला जाने क्यों वीडियो पे बनाने बाबा जी वैसे क्यूट लग रहे हैं ये सारे
सामने ये बंद खुला हुआ है ना। हाँ जी ऐसे करते हैं। ये वो ही है ना जो प्लेट में ज्यादा से चिकन डाल के देता है। जी जी जी। अब पता नहीं चिकन महंगा हो गया, आप देता है या नहीं आपको पता नहीं है। इनका पहले घर में नहीं होता था? नहीं यहीं से इन्होंने स्टार्ट। नहीं इसने घर में था, इन्हें गलत जाए थे गिन आया। मैं इन अंदर से अभी ऊपर कर दुनिया तो वो खराब कर रहा है। तो सी बड़े थे उनके काम। और एक बात मैं ही सॉरी बहना जिस ऊपर का ट्राई की था इन्होंने मान भी बजे यार तुम्हें मैंने रील के लिए खरीदा था, आप तो बिक गए हो यहाँ पे चढ़ावात हट के गाँव देख रहे हो। रील बनाओ ने छोटी छोटी गलियां किस लिए आपको लाए? इसलिए बात अट रहे हैं कि वो भी हमें बात अट रहे हैं। काम भी उन्हें बात अट बहुत बुरी ना हरकतें करी एक कोई भूखे जला कीता पिया उतो आंतरा हिल गईया तो डच कलमेज लग गई। दुआ करो भाई बर्गर ल पे मैं इनन पसंद भी आवे जितना दूर हो इनन आंदा। चलो जी अम्मी नु दापणी तो साडी खाला दे डर पै गया भी खाला तक गए ते बों बिस्ती करे सुन हनी फास्ट फूड पे जा रहे हैं। उस दुकान का नाम हनी फास्ट फूड था। अच्छा जो शॉप थी ना वो इनके घर के मतलब अंदर ही है ना समाओ, तो इन्होंने हमें सिटिंग अंदर दी है। आपको चेक कराते हैं थोड़ी देर तक, बल्कि अभी दिखा देते हैं। बर्गर बनने में 15 मिनट हैं और हम लोग इनके घर बैठ के 450 रुपये का अंडा चिकन वाला बर्गर है और क्या बस वही 400 वाला जो सिर्फ चिकन वाला है और 200 रुपये का अंडे वाला। ये शॉप है और ये हमारे बर्गर तैयार हो रहे हैं। हनी फास्ट फूड है जी। दस से अब आ जाके अभी आपको चेक भी कराते हैं। शुक्र है दूजे ले बना सन उतो नहीं खवान लगाया को नहीं पता इस शुक्र है मैं भी सियाणी आई हूँ सुनना यार। ये चेक करें हमारे बर्गर्स आ गए हैं। ऐसे आपको वाइब आ रही है ये नहीं ये फुली लोडेड है चिकन और अंडे से हूँ क्या इस तो पहले हाँ तो अपना रिव्यू भी दो सारे वाला बॉस तो मैं अपने साथ दो बात कर गया था कैसे एक ही बार सुन टेस्ट से। ये शॉप है हनी फास्ट फूड की और अभी बस हम लोग बाहर जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क हुई हुई है, बल्कि बॉस थोड़ी सी गलियाँ भी देखना चाहते हैं वो भी देखते हैं। ये वाली गली हम क्रॉस करके आए हैं, एक ये साइड गली जा रही है और एक ये जा रही है। बॉस इधर रील बना रहे हैं। ये मस्जिद बहुत प्यारी लग रही है मुरीद के छोटी छोटी दुकान है। चलो जी असि अपने डेस्टिनेशन तक आ गए। साढ़े बिच अगर कोई बंदा इतने खेडा होया किसी बचपन में खेडा होया तो सोडे मारे ग्राउंड आई उधर का ही अब क्या है पता नहीं वैसे जगह खेलने के लिए। अभी बर्गर कैसा लगा है? बहुत अच्छा लेकिन बहुत हैवी। हमने बहुत हैवी था, हमने दो लिए थे अभी हम आप सारे खाएंगे और ऐसे ही हुआ, बल्कि हाफ से भी ज़्यादा बच गया हमारा क्योंकि हम लोगों ने कहा भाई बहुत हैवी था। 450 रुपये का बर्गर था लेकिन ऐसे बकायदा भी पैसे पूरे किए हुए थे ना, कोई कंजूसी नहीं थी। तो ट्राई करें मस्ट वर्थ इट। और बिल्कुल साफ साफ लग रहा था अंदर, इतना ठंडा पानी अच्छा दिया था, घर का माहौल था और साफ सुथरा सा था, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छी फैमिली अच्छी थी। होपफुली आपको ब्लॉग भी आज का अच्छा लगा होगा। इसका एंड हम आगे जाके करते हैं, कुछ सिद्धर आता है फिलहाल बोलता प्याज बड़ी बैठू लाता कैमरा। हिस्ट्री कम्प्लेक्स हम लोग पहुँच चुके हैं और शुक्र है थोड़ा रोड है ना मी थोड़ा रोड ठीक हुआ ऐसा आगे थे मुका छोड़ा आगे के बाद रोड थोड़ा खराब हुआ। गाँव का ब्लॉग बनाना वो मुश्किल है, बंदे इतने एक्टिव अमी है ना जी हाईली एक्टिव हो जाते हैं वेला जने की क्योंकि सारे लोग एक दूसरे को जानते होते हैं ना। चकवाल में ब्लॉग बनाना आसान होता है, बाहर बनाना थोड़ा मुश्किल है। होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। साढ़े चैनल नू सब्सक्राइब शेयर करें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आपका गांव अच्छा, जो भी बंदा रेकमेंड करेगा अपना गांव अपनी कोई फेमस जगह और या कोई ऐसे खाना अच्छा सा ना मैं जैसे अब मुरीद हम गए थे तो एक हमें पॉइंट मिल गया हम वहाँ पर घूमें। चलो जी अल्लाह के हवाले अल्लाह।